वेलकम बैक आप सभी को, आपके परिवार को, आपके फ्रेंड्स को मेरी तरफ से फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि हमने लास्ट संडे QNA सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज फिर मैंने आपके क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं और मैं देने वाली हूँ आपके जवाब। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन टी की जगह पाउच की जगह क्या हम खुली ग्रीन टी यूज कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आप खुली ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। पाउच हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें वो कैरी करने में आसानी होता है, उसको हमें ड्रिंक करने में थोड़ी आसानी होती है। फिर सेकंड है, क्या ऑयली स्कैल्प में शैम्पू होना चाहिए? डेफिनेटली पहली बात तो आपकी स्कैल्प कोई भी टाइप हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या फिर ऑयली हो, तो आपको शैम्पू करना ही करना चाहिए। और अगर ऑयली है तो फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है शैम्पू करना, क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प ऑयली होगी तो उसमें उतनी ही ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी इकट्ठा होएंगी, तो फिर आपके लिए शैम्पू बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप फेस पैक लगा के बोल सकते हैं? तो फेस पैक देखिए दो तरह के होते हैं, एक क्ले टाइप आता है, एक थोड़ा ड्राई आता है। जो क्ले वाला मास्क होता है उसको लगा के आप बोल सकते हैं, जो थोड़ा ड्राई होता है लाइक मुल्तानी मिट्टी जैसा होता है उसको लगा कर आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा रिंकल आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी क्रीम यूज करते हैं? तो मैं वाव की ये वाली क्रीम यूज करती हूँ, 10 in 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बायो ऑयल फेस पर लगा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। बायो ऑयल बहुत अच्छा है, मैंने भी 5-6 महीने लगाया था अपने फेस पर, तो उसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अगर आपके फेस पर थोड़े बहुत हल्के हल्के स्कार हैं तो ये उनको भी अच्छे से रिमूव कर देता है। आगे है, ऑयलिंग के बाद क्या हम हेयर पैक लगा सकते हैं? मतलब कि पहले ऑयल लगाएं और फिर उसके ऊपर हेयर पैक लगाएं। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब होली आती है हम खेलते हैं, तो होली से पहले हम अपनी बॉडी पे नारियल तेल लगाते हैं, स्कैल्प पे मतलब कि हेयर में भी लगाते हैं, तो किस लिए लगाते हैं? ताकि वो जो कलर है वो हमारे हेयर को नुकसान ना पहुँचा पाए, हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचा पाए। तो आप ऑयलिंग के बाद अगर हेयर पैक लगाओगे तो वो इतना रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो आप ऑयलिंग ना करें, सीधा आपने हेयर पर हेयर पैक ही लगाएं। फिर है, वेट लॉस के लिए क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए? नहीं, आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आप कोशिश करें या तो आप हल्की हल्की डाइट कम करें, हेल्दी डाइट लें, या फिर आप कोई एक्सरसाइज करें, योगा करें, गर्म पानी भी पी सकते हैं सुबह उठ के, उसमें नींबू और शहद डाल के। लेकिन अगर आप दवाई लेना चाहते हैं, कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही ले, जो डॉक्टर बोलेगा वही आपको करना होगा, लेकिन आप दवाई ना लें। कोशिश करें नेचुरली तरीके से वेट लॉस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ्रन को किस चीज़ में डाल के लगा सकते हैं? तो आप सैफ्रन को गुलाब जल में डालकर अपने फेस पर या किसी भी पार्ट पर लगा सकते हैं बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीको टर्मरिक क्रीम ऑयली और पिंपल स्किन के लिए अच्छी है या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, वैसे मैंने ये क्रीम कभी यूज़ नहीं की है। अगर मैं इस क्रीम को यूज करूँगी तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी, तो मैं लेके आती हूँ, देखती हूँ मैं यूज करके इसका असर है या नहीं, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। ऑयली स्किन के लिए टोनर बताइए। ऑयली स्किन के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टोनर है, लेकिन मैं उसके लिए आपको अच्छे से समझाऊंगी, मतलब कि अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं टोनर के ऊपर, मैं एक दो दिन में वीडियो बनाने वाली हूँ। अच्छा, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फेस वॉश बताएं, अच्छा सा फेस वॉश। आप हिमालय नीम फेस वॉश यूज कर सकते हैं, VLCC का एक नीम फेस वॉश आता है वो भी यूज कर सकते हैं, आप पतंजलि का सौंदर्या फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो अगर आपकी ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, तो एक तो आप जेल बेस फेस वॉश यूज करें, और कोशिश करें कि उसके अंदर ना तो पैराबिन हो, ना मिनरल ऑयल हो, ना फिर उसके अंदर एल्कोहल हो। फिर है, ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चर बताइए। ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चर है ये वाला, सबसे बेस्ट है ये। 200 ml की बोतल है और इसका प्राइस है 210 रुपये।
तो ये आपकी 5-6 महीने अच्छे से चल जाएगी इतने प्राइस में, और ये बहुत अच्छा है। इसका एक वाइट भी आता है, वो ऑयली स्किन वालों के लिए है, और ये ब्लू कलर की बॉटल है तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। फिर है मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा है कि आपने वीडियो में मेरा जिक्र नहीं किया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी के क्वेश्चन उठाऊँ और उनके जवाब दूँ, लेकिन जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हीं को लेती हूँ जो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में आपका भी क्वेश्चन हो और मैं उसका जवाब दूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपका क्वेश्चन नहीं लिया, शायद मैं नेक्स्ट बार आपका क्वेश्चन मतलब आ जाए क्यूएनए सीरीज में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इक्वली सभी के क्वेश्चन का आंसर दूंगी ही दूंगी, अगर यहाँ पर नहीं दूंगी तो फिर मैं आपका कमेंट का जवाब तो डेफिनेटली दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 40 के बाद हेयर बढ़ सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल आपके हेयर बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अच्छी डाइट लेनी है, आपके हेयर की अच्छे से केयर करनी है, आपके बाल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आगे है, अनियन वाली रेमेडी में स्मेल आती है, तो अगर आपको अनियन वाली रेमेडी में स्मेल आती है तो आप उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं। आगे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे हमें दिखाया जाता है कि इसको लगाएं और रातों रात आपके बाल इतने बढ़ जाएंगे कि आपको कटाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, एक रात में मेरे अकॉर्डिंग पिंपल ठीक हो सकता है। आप अगर आपका कलर थोड़ा डाउन है तो आप अपने कलर को ट्रीटमेंट के द्वारा गोरा बना सकते हैं, लेकिन रातों रात मतलब कि बाल लंबे करना मैंने तो आज तक नहीं देखा। देखो, जो लोग बता रहे हैं शायद उनके पास होगा कोई ऐसा तेल या कोई ऐसा जादू कि आपके बाल रातों रात लंबे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको भी पता है इस बारे में कुछ तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी अपने हेयर थोड़े से और लंबे करने हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। अगर आपका फिर भी कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई आपके दिल के अंदर बात है, और अगर मैंने आपके क्वेश्चन इस क्यूएनए सीरीज में नहीं भी ले पाई हूँ मैं, तो उसके लिए डेफिनेटली सॉरी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी का जवाब दूँ। तो प्लीज़ इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है फ्रेंड, मैं इक्वली सभी के क्वेश्चन का जवाब देती ही देती हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपका जवाब दूंगी ही दूंगी। ये था आज का वीडियो। दोबारा फिर फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आपके परिवार को, आपको, आपके फ्रेंड्स को। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें। बाय बाय।